देखिए, पिछले कार्यकाल के देखें तो नोटबंदी और जीएसटी रही है, जिसको पूरे देश ने न केवल उसको भोगा, बल्कि 100 से ऊपर लोगों की मौतें हुई थी और व्यापार व्यवसाय चौपट हुआ था, जिससे उबर नहीं पाए। और इस कार्यकाल में बिना सोचे समझे जो लॉकडाउन किए, उसके कारण से लाखों करोड़ों परिवार न केवल बेरोजगार हुए, बल्कि लाखों लोग सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर हुए, और उसमें भी कितने लोगों की मौत हो गई और कितने लोगों को होगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो ये के लोगों को केवल तकलीफ ही दिए हैं, अर्थव्यवस्था रसातल में जा रहा है और लोग लगातार बेरोजगार हो रहे हैं। तो हमसे ज्यादा जो संसाधन वाले हैं, जो विकसित देशों के श्रेणी में आते हैं, ऐसे देश आज कोरोना से अछूता नहीं है। जिस प्रकार से अमेरिका की हम बात करें, स्पेन की बात करें, इटली की हम बात करें, और वहां पर जो संक्रमित लोगों की संख्या और मौतों की हम बात करें, तो कहीं ना कहीं भारत आज भी बेहतर स्थिति में है। और बेहतर स्थिति होने के कारण है मोदी जी का उचित समय पर उचित निर्णय लेना। हम देख रहे हैं कि लगातार लॉकडाउन के कारण में हमारे उद्योग धंधे ठप हुए हैं और कहीं ना कहीं सभी प्रभावित हुए हैं। और इसके लिए मोदी जी ने जो एक बहुत कारगर उपाय कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज उनके द्वारा जारी किया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं अभिषेक शुक्ल। लॉकडाउन को लेकर सियासत भारी है। जी हाँ, दरअसल मोदी सरकार को एक साल होने वाले हैं और एक साल में क्या उपलब्धियां रही, क्या कमियां रही, इसको लेकर उनकी खिंचाई भी चालू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाए पहले कार्यकाल पर भी और दूसरे कार्यकाल में लॉकडाउन को लेकर। उनका कहना था कि बिना सोचे समझे ये लॉकडाउन यहां पर लागू किया गया, जिसका खामियाजा देश भुगत रहा है, बेरोजगारी आई, बहुत से लोग मरे। जवाब में नेता प्रतिपक्ष का कहना था, उन्होंने दुनिया भर के देशों की गिनती गिनाई और कहा कि भारत की स्थिति बेहतर है, सही समय पर सही फैसला था लॉकडाउन, और लॉकडाउन की वजह से जो दिक्कतें हैं उसे 20 लाख करोड़ के पैकेज के जरिए पूरा करने की कोशिश की गई, आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की गई। चर्चा आज इसी पर होगी कि क्या लॉकडाउन बिना सोचे समझे था, और अगर ये था तो इसका विकल्प क्या था, और लॉकडाउन के बाद क्या जो सरकारें कोशिश कर रही हैं वो किस तरीके की कोशिश है, वो कितना उबार पाएंगी, चर्चा इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ है, संजय श्रीवास्तव जी भाजपा से, स्वागत आपका। अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस से, स्वागत। और धनवीर जायसवाल जी हमारे साथ हैं, स्टेट एडिटर। संजय जी, सबसे पहले मैं आपसे दो दो मिनट आप दोनों को देना चाहूँगा, दो दो मिनट आप लोग अपना पक्ष रख दे, फिर डिबेट को शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री का जो आरोप है बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगाया गया। देखिए अभिषेक जी, आज लगभग कोरोना संक्रमण या ये हम कहें कि लॉकडाउन को लगभग 2 महीने पूरे होने के बाद ये लगभग तीसरा महीना है, 60-65 दिनों का लॉकडाउन हो चुका है। देश काफ़ी आगे बढ़ चुका है, प्रदेशों में तमाम प्रकार के प्रवासी मजदूर, और यहाँ तक कि लॉकडाउन समाप्त करके एक बार फिर से बाजारों के साथ साथ अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए तमाम प्रकार की कार्रवाइयाँ आगे चल रही है और हम आगे की सोच रहे हैं। और ऐसे समय में फिर से एक बार अपनी असफलता को छिपाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि अब फिर से हम पुराने उसमें जाकर कि हम आरोप प्रत्यारोप का दौर करें कि लॉकडाउन समय पर ही हुआ या नहीं हुआ, ये कहीं ना कहीं अपनी असफलता को छुपाने का प्रयास है। दरअसल आज मुख्यमंत्री जी आरोप इसलिए लगा रहे हैं, आरोप तो हमेशा लगाते हैं, 1.5 साल की सरकार में आपने देखा कि पत्र लिखने के अलावा या आरोप लगाने के अलावा शायद कोई दूसरा काम प्रदेश सरकार का नहीं रहा। लेकिन अभी वर्तमान में आज जिस तरीके का आरोप लगाए तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक हड़बड़ी है मुख्यमंत्री जी को, और कहीं ना कहीं एक अचंभा लग रहा है, कहीं ना कहीं एक निराशा उनके सामने दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में पहले दौर में कम संक्रमित आए, हमें भी प्रसन्नता थी, कहीं दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अब जिस तरीके से छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता उनके चेहरे पर स्वाभाविक रूप से दिखाई दे रही है। इसमें कहीं आपत्ति नहीं, एक मिनट अभिषेक जी, कहीं आपत्ति नहीं है। देखिए चुनौती है, चुनौती दुनिया उसके झेल रही है, दुनिया उसके लड़ रही है, लेकिन अपनी कमियों को छिपाने के लिए
और दूसरा कोई चुनौती आती है तो उसको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ हम इससे लड़ेंगे, हम इससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम घूम फिर के अपनी जो जिम्मेदारी है उससे बचकर हम दूसरे पर आरोप लगाकर यदि हम बचे तो मुझे लगता है प्रदेश की जनता, देश की जनता बेहतर तरीके से देख रही है, इसको सही तरीके से उनको फेस करने की आवश्यकता है। आपका पक्ष आप भी रखें। जी निश्चित तौर पर बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने आज ठीक कहा है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने जल्दबाजी में जो निर्णय लेके लॉकडाउन किया उससे आज आप देखेंगे, हम लोग अखबार के माध्यम से और टीवी चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं कि किस प्रकार से आज मजदूर भूखा प्यासा अपने परिवार को लेके अपने शहर से जहां वो काम करता है वहां से अपने गांव जाना चाह रहा था, लेकिन किस प्रकार मुसीबत झेल रहा था, उसको इस सरकार पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और उसको अपने पैरों पे ही भरोसा था और जिस प्रकार वो नंगे पांव से ही निकल गया, वो छाले इनको कभी माफ नहीं करेंगे, इतिहास इनको कभी माफ नहीं करेगा, ये आप निश्चित तौर पे अभिषेक जी जान लीजिए। और जिस प्रकार ये संवेदनहीन जो सरकार बैठी हुई है उनको किसी, ये हमेशा से कॉर्पोरेट मित्रों के लिए ही कार्य करने वाले लोग हैं, इनको हमेशा से गरीबों से परेशानी रही है, ये वो लोग हैं जो गरीबों को गरीबी छुपाने के लिए, आप जिस जैसा हमने देखा कि नमस्ते ट्रंप जब कार्यक्रम अहमदाबाद में हो रहा था तो गरीबी छुपाने के लिए वो बीजेपी है जो दीवार खड़े करती है गरीबी छुपाने के लिए, उसे मिटाने के लिए कोई कार्य नहीं करती, ये पूरे देश की जनता ने देखा है। और जिस प्रकार से निर्णय ये जो ले रहे हैं और जिस प्रकार सिर्फ गुलाबी कहते ना कि इनके कहने का जो तात्पर्य होता है सिर्फ सपने दिखाना, अरे वर्तमान में आप देखिए कि जो व्यक्ति खाना नहीं खा पा रहा है आप उसको सुनहरे भविष्य की ओर ले जा रहे हैं, जो व्यक्ति भूखा है, जो प्यासा है, परेशान हो रहा है, तकलीफ है, ऐसी सरकार उनके तरफ देख नहीं रही है और भविष्य के सुनहरे सपने दिखा रही है, निश्चित तौर पर इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। ये चलिए आपने अपना पक्ष रख दिया, मेरा अभी सवाल था कि लॉकडाउन को लेकर जो सवाल उठाया गया है इसका विकल्प क्या था, क्या करना था, समस्याएं तो बहुत सारी है, विकल्प क्या था, क्या उपाय था इसका? देखिए बिल्कुल मुझसे पूछना जी जी, देखिए सारे मुख्यमंत्रियों से चर्चा करके कॉन्फिडेंस में लेना था देश की जनता को। आज आपने प्रधानमंत्री जी जब अभी वक्तव्य देने उस दिन आए थे उन्होंने कहा कि ये महामारी जो है वैश्विक महामारी है और 4 महीनों से ये अपने पांव पसार रही है, 5 और 60 दिन आज 65 दिन हुए हैं, तो उसके 2 महीना पहले वो क्या कर रहे थे, ये बिजी थे नमस्ते ट्रंप के कार्यक्रम में, ये बिजी थे कैसे मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को हम गिरा लें, कैसे हम वहां पर विधायक खरीदी करके अपनी सत्ता में, सत्ता से दूर रहने वाली पार्टी नहीं है ये, जिस प्रकार से इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार गिरा के और जिस दिन शिवराज सिंह जी ने वहां पर अपनी शपथ ली उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने लॉकडाउन कर दिया, तो क्या आप पहले चिंतित नहीं थे? हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व बार बार उनको लोकसभा में आग्रह कर रहे थे कि साहब ये पूरे देश में बीमारी फैल रही है, आप इसके लिए कोई उपाय करिए, मुख्यमंत्रियों से बात कर रहा था, सबसे सलाह नहीं ली गई, ये इसका खामियाजा यही है, इनका चाल चरित्र और चेहरा। देखिए लॉकडाउन करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से बात नहीं की, ऐसी बात नहीं है, 19 मार्च को प्रधानमंत्री ने तमाम मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी, उसके बाद 22 को उन्होंने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था और 25 मार्च से टोटल लॉकडाउन की घोषणा इस देश में हुई थी। कांग्रेस एक तरफ ये कहती है कि नमस्ते ट्रंप में बिजी थे, दूसरी तरफ ये कहती है कि मध्य प्रदेश सरकार गिराने में व्यस्त थे और इसके बाद अचानक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई, तो दोनों चीज़ें आप कहते हैं कि या तो लॉकडाउन पहले करने की बात आप कर रहे हैं क्योंकि नमस्ते ट्रंप नहीं करना था, मध्य प्रदेश की सरकार के लिए जो गतिविधियाँ चल रही थी वो नहीं करनी थी, इसका मतलब यह था कि आपकी मांग ये है कि काफ़ी पहले लॉकडाउन कर दिया जाना चाहिए था, अब कह रहे हैं कि लॉकडाउन अचानक हो गया, इस देश को लॉकडाउन की जरूरत तब भी थी और आज भी है, और जब इस दौर में जब लॉकडाउन फोर चल रहा है ऐसे वक्त में तमाम चीज़ें खोल दी गई है और जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं आज, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के मामले को आप देखें तो आंकड़ा 200-250 के पार पहुंच रहा है, ऐसे में एक बार तमाम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि अब एक बार फिर से टोटल लॉकडाउन किए जाने की जरूरत है। हालांकि लॉकडाउन 2 के दौरान ही तमाम तरह की व्यवस्थाओं के बारे में विचार करना चाहिए था कि किस तरीके से रेलगाड़ियां चलाई जानी है, किस तरीके से विमान सुविधाओं का विस्तार फिर से शुरू किया जाना है और लोग कैसे अपने घरों तक पहुंचे, जो लॉकडाउन 3 के अंत में विचार किया गया और अब उसको खोला गया है ये थोड़ा पहले कर लिया जाता, लेकिन इस बीच में यदि ये उसमें विलंब हुआ तो इसके पीछे कारण ये भी है कि तमाम जो क्वारंटाइन सेंटर्स की व्यवस्था है, जो उनके थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था है, तमाम जो स्टैंडर्ड ऑपरेशनल जो प्रोसीजर है वो विकसित किया जाना था और उसके लिए तमाम जो संसाधन जुटाए जाने थे, तो वो भी एक जरूरी कदम था, उसकी जरूरत इस देश को है और आगे भी रहेगी,
तो अभी अब इस पर विचार होना चाहिए कि आने वाले दिनों में जो केसेस बढ़ रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए किस तरह का उपाय किया जाना है और उसके लिए व्यवस्था किस तरीके से होनी चाहिए, इसको लेकर लॉकडाउन तो आप लोगों ने कह दिया कि बाकियों से सभी जगह से तारीफ मिली कि लॉकडाउन सही समय पे, क्या आप लोग मानते भी हैं, लेकिन उसके बाद जो कदम उठाने थे क्या वहां कहीं कुछ चूक हुई जिसकी वजह से बार बार सभी को उंगली उठाने का मौका मिला? संकट के समय पूरे देश को एक साथ आकर कहीं ना कहीं लड़ने की आवश्यकता है और मुझे ऐसा लगता है कि आज यदि हम इसको एक अपन पॉजिटिव पॉइंट से देखें, यदि लॉकडाउन जो आरोप हमेशा लगते हैं, वैसे तो ये आपने भी देखा है कि नेशनल न्यूज से लेके यहां तक कभी कांग्रेस का कोई नेता कहता है कि लॉकडाउन जल्दी हो गया, जो धर्मेंद्र जी ने कहा, कभी कहते हैं कि उसको कुछ समय और देना था, अर्थात कांग्रेस खुद कंफ्यूज है कि होना क्या था। दरअसल केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं होना है। देखिए, सही समय पर सही लॉकडाउन हुआ और स्थिति क्या थी आपको मालूम है कि बहुत कम संख्या थी। ये ठीक है कि आज लगभग दो महीनों के बाद में लाखों की संख्या हो गई है, लेकिन मैं आज तुलना नहीं करूंगा कि देश और दुनिया में तमाम प्रकार के सवाल ये भी सब ये उठ रहे हैं यहाँ पर कि जब संख्या कम थी तब लॉकडाउन था, बढ़ गए तो खोल दिया, ये लॉजिक क्या है? नहीं देखिए, ये तो आपने देखे, ये इस पर मैं सीधे उत्तर पे आ रहा हूँ। ये देखिए, ये तो मुख्यमंत्रियों के साथ में बातचीत करके आपने देखा है कि तमाम प्रकार की चिट्ठियां जा रही हैं कि ये खोलना पड़ेगा, वो उद्योग धंधे ठीक नहीं है, ये हम भी इस बात को समझते हैं, बाजारों की स्थिति है, रोज व्यापारियों का दबाव है, तमाम प्रकार के विषय। देखिए, कोरोना के संक्रमण के साथ साथ कोरोना एक ऐसा वायरस है या कोरोना एक ऐसी COVID-19 जो बीमारी है, इसका कोई वैक्सीन नहीं, इसकी कोई मेडिसिन आज तक नहीं आई है, और ये बात सत्य है कि प्रथम दृष्टया जो चीजें सामने आ रही है कि हमको उसके साथ में जीना पड़ेगा, अर्थात हम मास्क पहने, सैनिटाइजेशन करें, हम तमाम प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग करें, तमाम प्रकार के विषय हैं। तो मुझे लगता है कि आज की स्थिति में यह है कि इन सब चीजों के साथ में हमको कहीं ना कहीं अपने को जीना पड़ेगा और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बाजार मार्केट तमाम प्रकार के कामों को प्रारंभ करना पड़ेगा। दरअसल अब यह स्थिति है कि केंद्र राज्यों को नियंत्रण करके जो केंद्र के हाथ में था उसने किया, अब राज्यों की डिमांड के आधार पर जैसे धीरे धीरे करके अधिकार दे। उदाहरण के लिए मैं कहता हूं कि शराब दुकान खोली, लेकिन किस तरीके से सरकार, किस तरीके से कांग्रेस ने आरोप लगा कि भैया हमको केंद्र ने कहा कि सरकार शराब की दुकान खोलो, तो इस स्तर की यदि राजनीति होगी तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। अब मेरा कहना है कि राजनीति से परे हटकर राज्यों को अपनी जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। आप केवल अप्रवासी मजदूर आ रहे हैं, प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, आपके पास में क्वारंटाइन सेंटर नहीं है, वहां आत्महत्या हो रही है, वहां पे सांप काट रहे हैं, कोई मर रहा है, कोई आत्महत्या हो रही है, तमाम प्रकार के विषय हैं। अब 2-3 लाख 4 लाख यदि मजदूर है, मैक्सिमम भी मान लिया कि 3-4 लाख मजदूर हैं मात्र, देश के अंदर में तो 15-50 करोड़ मजदूर हैं पूरे देश को, यदि केंद्र सरकार को देखना है, लेकिन राज्य सरकारों को, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, ये देखने की आवश्यकता है कि हमारे यहां जो प्रवासी राज्य सरकारों जिसमें संभावना ज्यादा है, राज्य सरकारों ने जो अधिकार मांगा था वो राज्य सरकारों को दे दिया गया। अब राज्य सरकारों को बजाय कि पीछे लॉकडाउन में क्या स्थिति थी, जल्दी हुई देरी हुई की बजाय, अब क्या वर्तमान में करना चाहिए, क्या उनको बेहतर तरीके से काम नहीं करना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा ना कि बीजेपी की कथनी और करनी में हमेशा डिफरेंस रहता है। 773 डिस्ट्रिक्ट हैं, आपने बिना किसी से पूछे 130 आपने रेड जोन घोषित कर दिए। बाद में जब राज्य सरकारों ने कहा कि ये अधिकार हमको देना चाहिए, लेकिन तब तक 50 दिन बीत चुके थे। उसी प्रकार से आप देखिए कि जिस प्रकार से दूसरी योजनाएं आज ये पैकेज की घोषणा जरूर करते हैं। प्रवीण जी, जैसे जैसे डिमांड, सुनिए मैं वही आपसे कह रहा हूं कि भी जिम्मेदारी अब राज्यों को दे दी, मैं वही बता रहा हूं। मैंने कहा ना कि हमारे द्वारा जब मांग की गई तो उसके बाद उसको दे दिया गया, राज्यों को दे दिया गया। अब मैं वही आपको बता रहा हूं कि इस पूरे इनके जो निर्णय में, जो जल्दबाजी में लिया गया जो निर्णय है, उससे आज 12 करोड़ से ज्यादा मजदूर आज बेरोजगार हो गए हैं, और लगभग प्राइवेट सेक्टर में भी अगर हम देखेंगे तो 1,72,000 से ज्यादा। सुनिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ, बार बार उठाते रहे कि और जल्दी। आज देश की बेरोजगारी दर जो है, पहले जो 3 महीना पहले 7.5 हुआ करती थी, आज 23.5 हो गई है। 25 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान इस देश को, लाखों का करोड़ों का नुकसान हो गया है। और अब रही बात आप राज्य सरकार की जो कर रहे हैं, बिल्कुल राज्य सरकार की जवाबदारी है और हम अपनी जवाबदारी को भरपूर निभा रहे हैं। आज चाहे छात्रों को लाने का राजस्थान से बात हो, चाहे मजदूरों को लाने की बात हो, आज आप देखिए कि जिस प्रकार से हमारी सरकार ने कदम उठाए हैं उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। और आप मजदूरों को लाने के लिए आप पैसा ले रहे हैं, आप बताइए कि जिस प्रकार लाखों करोड़ों रुपया लोग खुले दिल से इस देश के लोगों ने मदद की और प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में पैसा दिया, क्या आपकी जवाबदारी, नैतिक जवाबदारी, जिम्मेदारी नहीं बनती थी? आप उन मजदूरों को लाते, आप उन छात्रों को लाते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आज पैकेज आपने घोषणा की, आज आप कर्ज दे रहे हैं और लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि उसको आप राहत समझ लीजिए। देश की जनता पढ़ी लिखी समझदार है भाई साहब। दूसरी चीज, क्या राज्य सरकार, केंद्र सरकार की जवाबदारी नहीं बनती थी कि राज्यों को एक पैकेज दे?
कि आप ये पैकेज आप रखिए और इससे आप अपनी व्यवस्थाएं करिए। तो केंद्र सरकार एक भी रुपया आज तक राज्य सरकारों को नहीं दी है, उल्टा जो हमको लेना है जीएसटी का पैसा, चाहे राज्यों को और अलाउंसेस और टैक्सेस का जो पैसा है, रॉयल्टी का पैसा है, उसकी भी बार बार मांग करने के बाद भी नहीं दे रहे। और जिस प्रकार मेरे बड़े भाई अभी कह रहे थे कि राजनीति नहीं होने चाहिए, बिल्कुल आपसे मैं सहमत हूं भाई साहब, वैश्विक महामारी है, इसमें हम पूरे देश के लोग आप लोगों के साथ है, लेकिन रही बात आप कह रहे राजनीति नहीं होना चाहिए, 44 ट्रेन की हम मांग करते हैं, सिर्फ हमको 14 ट्रेन दी जाती है, उसके बाद कहा जाता है कि हमने मांग नहीं की है, हमने मांग नहीं की है, अपडेट नहीं है। अरे 28 ट्रेन आपने अभी आज की डेट में दिया है। सुनिए परिवार, यदि जानकारी नहीं है तो उसको नहीं कहें गलत जानकारी, बंसल न्यूज के माध्यम से खुद मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया कि हमको 48 ट्रेनों की अनुमति मिल गई है और जितनी ये संख्या बता उससे कहीं ज्यादा ट्रेन आ गई। दूसरा, भ्रम के आधार पर कांग्रेस राजनीति मत करे। यहां पर 3,000 करोड़ रुपए की मदद इनको चाहिए, इनके फंड में पैसा, डीबीटी के तहत जितने मजदूर हैं, जितनी महिला है, जनधन के माध्यम से, किसानों के माध्यम से, सबको सीधी राशि जा रही है। 30,000 करोड़ रुपए का पैकेज मांगा जाता है, लेकिन बगैर कार्ययोजना के आखिर करेंगे क्या, करेंगे क्या? जब पूछा जाता है तो कोई सवाल नहीं आता कि आखिर क्या है। इन्होंने ट्रेन के नाम पर राजनीति करने का प्रयास किया, जब पीयूष गोयल जी ने खुली चुनौती दी मुख्यमंत्री जी का नाम लेकर कि मेरे सामने आइए बताइए क्या नहीं है, तब इनको जानकारी मिली कि हाँ ये गलत है। और इनको तो ये भी जानकारी नहीं थी कि पहले रेल मंत्रालय को आप भेजते हैं चिट्ठी, कंसेंट दो राज्यों के बीच में होती है, इनको ये जानकारी भी राज्य शासन के अधिकारियों के पास में नहीं थी। बाद में जरूर हमने राज्यों को हटाकर सीधे रेलवे का किया, अर्थात जानकारी के अभाव में केवल चिट्ठी लिखने का काम और जनता को हम भ्रमित करें कि देखिए भैया हम तो पैसा मांग रहे हैं लेकिन हमारे पास पैसा नहीं। ये कैसी राज्य सरकार है जो ये कहती है अभिषेक जी कि हमारी अर्थव्यवस्था तो अच्छी है लेकिन फिर कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। आखिर ये किस प्रकार की सरकार है? यदि आपको तकलीफ है तो कहना चाहिए कि हाँ आज अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर में स्थिति है जहां का जीडीपी नीचे जा चुका है, जहां पे रोजगार समाप्त हो चुके हैं अमेरिका जैसे देशों के अंदर में। सवाल देखिए, पूछ रहे थे मेरे बड़े भाई कि ये किस प्रकार की सरकार है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये गांव गरीब किसान की मजदूरों की मदद करने वाली सरकार है। और जब पूरे देश में देशव्यापी मंदी थी उसका असर हमारी राज्य सरकार आने के बाद यहाँ के लोगों पे हमने पढ़ने नहीं दिया। हमारी सरकार की योजनाएं ऐसी हैं कि यहाँ का मजदूर किसान सब खुशहाल है, उसको वो वैश्विक महामारी का भी असर हमने होने नहीं दिया। ये ऐसी सरकार है भाई साहब। और जिस प्रकार आप कह रहे थे तो मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि हमारे रेल मंत्री जो है, मैंने सारा ट्वीट उनको किया है, सारे लेटर हमने दिए, वो झूठ बोल रहे हैं और मैं चर्चा के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो चर्चा पे नहीं आए। देखिए आप सिर्फ राजनीति से हटके बात करिए, सुनिए, देखिए देखिए देखिए, मैंने आपको इंटरप्ट किया था, मैंने आपको इंटरप्ट किया था, आप सुनिए, थोड़ा माता रखिए। देखिए हमारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है लेकिन ये आंकड़े झूठे और आपका दावा झूठा है। मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया तो मुझे बता दें ट्वीट करके कि उन्होंने स्वीकार किया है। भाई साहब आप लोगों की यही यही, लेकिन देखिए भाजपा का एक ही कहना है, भाजपा की एक ही रणनीति है, झूठ बोलो, बार बार बोलो और जोर से बोलो, लेकिन हम आपके वजह से दबने वाले नहीं है भाई साहब। दबिए मत, दबिए कौन दबा रहा है? और आप सत्य पे बात करिए, सत्य पे बात करिए, तथ्य पे बात करिए, तथ्यहीन और अर्थहीन बात करके डिबेट को जी, केंद्र और राज्य दोनों बोल रहे हैं सियासत नहीं होना चाहिए, मिलके चलना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन के बाद से हम लगातार देख रहे हैं सियासत भी साथ साथ चल रही है, बल्कि कई बार तो कोरोना और लॉकडाउन पीछे छूट जाते हैं, सियासत ज्यादा होने लगती है। देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम जी रहे हैं तो सियासत तो होगी, आप हालांकि केंद्र और राज्य में काफी दोनों पार्टियां लगातार ये बात करती कि इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए और होनी भी नहीं चाहिए थी। जिस तरीके से लॉकडाउन 1 चला, जिस तरीके से लॉकडाउन 2 चला, तब तक सियासत लगभग शून्य थी और सब मिलकर के काम कर रहे थे। केंद्र सरकार के जो दिशा निर्देश आ रहे थे, राज्य सरकार उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रही थी और बेहतर तरीके से कामकाज भी हो रहा था और राज्य सरकार उसका पूरा पालन कर रही थी। उस तब तक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू नहीं हुआ था। लॉकडाउन 3 आते आते तक राजनीति तेज हुई और अब वो लगभग चरम पर है और ये आने वाले दिनों में कुछ और भी बढ़ेंगे। तो हम यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था में है और आरोप प्रत्यारोप नहीं होंगे, सियासत नहीं होगी, ये मानना भी बेमानी ही है, क्योंकि राजनीतिक दल हैं, सबके अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ हैं और राजनीतिक जो चाल होते हैं उसमें एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए बिना मामला आगे बढ़ता नहीं है, तो ये तो स्वाभाविक है। लेकिन जो ये इस दौर की जो मांग है वो ये है कि जो लोग इससे पीड़ित हैं, जो लोग इससे प्रभावित हैं, जिनके रोजगार जा रहे हैं, जिनके पास खाने पीने के संसाधन नहीं है, जिनको क्वारंटाइन में रखना है, उनके लिए बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। उस पर यदि राज्य सरकार की कहीं कोई कमजोरी है तो भारतीय जनता पार्टी को उस पर निगरानी करनी चाहिए, वहाँ केंद्रों पर जा करके देखना चाहिए कि किस तरीके से राज्य सरकार फेल हो रही है, प्रशासन को आगाह करना चाहिए, प्रशासन पर दबाव बनाना चाहिए ताकि वो व्यवस्थाएँ ठीक हो सके, जिनको
जिस चीज की आवश्यकता है वो मिल सके, यदि राज्य सरकार की व्यवस्था में कोई खामी है तो भारतीय जनता पार्टी को उस पर प्रेशर बनाकर उसको पूरा कराना चाहिए। तो ये एक तरह की ये सकारात्मक राजनीति होगी और राजनीतिक जो मुद्दे हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन राजनीति का जो स्वरूप है वो इस दौर में कम से कम सकारात्मक हो तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, सकारात्मक हो तो ज्यादा बेहतर होगा, यहाँ पर ये बहुत अहम चीज यहाँ पर है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सियासत नहीं होनी चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए कहते कहते सभी सियासत यहाँ पर कर रहे हैं और असल मुद्दे कई बार जो जरूरतमंद है वो पीछे छूट जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लॉकडाउन को लेकर जो सियासत चल रही है ये भी एक युद्धकाल जैसी स्थिति है। हमने पढ़ा था, सुना था कि युद्ध जब जब देश में हुए हैं, देश की जनता, देश की राजनीतिक दल एक होकर उसे उन्होंने लड़ा है और पार पाया है। लेकिन आज जो मौजूदा हालात हैं युद्ध जैसे ही हैं, लेकिन नज़ारा मंजर कुछ और ही है। आपस में सियासत हो रही है, ज़रूरतमंद चेहरा ताकते रह जा रहा है और कई बार वो आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। तो वाकई इस वक्त ज़रूरत ये है कि जो ज़रूरतमंद है उसकी जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जाए, बजाय कि आपस में लड़ने के, बजाय कि आपस में सियासत करने के, क्योंकि आने वाला वक्त इसको लेकर हमसे जवाब ज़रूर मांगेगा। आज का मुद्दा मैं